नमस्कार दैनिक शिवचाई में आप सभी का स्वागत है। जितने भी मोटर चालक हैं उनके लिए ट्रैफिक और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक आदेश आया है। आदेश आया है कि पोर्टल पर जाकर आपके पास जो भी रजिस्ट्रेशन गाड़ियां, जो रजिस्टर गाड़ियां हैं आपके पास, आपको जो भी समय, जो आपका फंक्शनल मोबाइल नंबर है उसे अपलोड करना है जाकर। पूरी खबर क्या है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट भी हो सकती है और आपको जब चालान घर पर आएगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपका चालान हुआ भी है या किस माध्यम से आया। इसी के चलते लगातार ट्रैफिक विभाग और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को मेजॉरिटी ऑफ पीपल यानी कि ज्यादातर लोगों की शिकायतें आ रही थी कि हमें पता नहीं चल रहा हमारी गाड़ी का, हमने तो कहीं वायलेशन किया नहीं, उसके बावजूद घरों में हमारे भारी भरकम चालान आ रहे हैं। और कई लोगों ने तो ये भी शिकायतें कर दी कि हमारी गाड़ियां ब्लैकलिस्टेड हो गई, इवन के गाड़ियां घरों में खड़ी हैं उसके बावजूद भी। अब इसका कारण क्या है, वही पूरी खबर आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। ट्रैफिक और मोटर विभाग यानी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकारियों ने मोटर चालकों के लिए निवेदन किया, आग्रह किया कि वे अपने जो फंक्शनल मोबाइल नंबर हैं उनको वाहन पोर्टल पर जाकर लिंक करें, यानी अगर आपकी आरसी के साथ लिंक करें, यानी कल को अगर चालान भी आता है तो अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पे आपको वायलेशन के साथ आपको चालानिंग की पूरी डिटेल भी आएगी। अगर आपने किसी को अपनी गाड़ी बेची है और आपने अपना मोबाइल नंबर आपका ही लिंक है उसके साथ और जिसको बेची उसका लिंक नहीं है, अगर वो वायलेशन करता है तो उसका जो जुर्माना होगा वो आपको अदा करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी गाड़ी या आपने किसी से गाड़ी खरीदी है, अगर ये कहेंगे कि अगर आपने किसी से गाड़ी खरीदी है, अगर वो व्यक्ति अगर आपकी वायलेशन होती है और वो चालान भी उसको जाता है और उसके बावजूद आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या वायलेशन हुआ है। क्योंकि जब आपका नंबर ही लिंक नहीं होगा, अगर आपने किसी से गाड़ी खरीदी है और जिससे खरीदी होगी उसी का नंबर लिंक होगा तो वो वायलेशन उसको जाएगा। आप इस चीज से वंचित रहेंगे कि आपको पता नहीं होगा कि आपको कहां पर किस चीज का जुर्माना हुआ और आपको भरना, उसी के चलते आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो सकती है। उसी के चलते जो यातायात अधिकारियों द्वारा यह देखा गया है कि पंजीकरण यानी कि जो रजिस्ट्रेशन मालिक है उनको अधिकांश मोबाइल नंबर वाहन डाटाबेस के साथ जुड़े नहीं है, यानी अधिकांश जिनके पास गाड़ियां रजिस्टर्ड गाड़ियां उनके नंबर उनकी आरसी के साथ यानी कि लिंक नहीं है मोबाइल नंबर, जो वो फंक्शनल मोबाइल नंबर, जिसके कारण उन्हें यातायात उल्लंघनों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा यातायात अधिकारियों को आम जनता से कई शिकायतें मिली हैं, उन्हें यातायात उल्लंघन के संबंध में कई संदेश मिला है और परिणाम स्वरूप वाहनों को आरटीओ जम्मू द्वारा बंद कर दिया गया है। भविष्य में इस तरह की प्रथाओं से बचने के लिए आम जनता से अनुरोध है कि वो www.parivahan.gov.in पर जाएं और किसी भी असुविधा से बचने के लिए इस प्रेस विज्ञापन के प्रकाशन के 10 दिन के भीतर ही वाहन पोर्टल पर अपने कार्यरतम संपर्क नंबर को अपडेट लिंक करें। विभाग ने यह साफ तौर पर कहा है कि जब ये मीडिया के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित ये सर्कुलर जो निकला है उसके 10 दिन के अंदर 10 दिन के भीतर आपको जाकर अपने जो नंबर है वो www.parivahan.gov.in पर जाकर इस नंबरों को जो आप चला रहे हैं, जो आपका फंक्शनल नंबर है, अपनी गाड़ी की आरसी के साथ इसे अपडेट यानी कि लिंक करवाना है। और साथ ही इसी बीच MVD यानी कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने लोगों से वाहन पोर्टल पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मालिकों के मोबाइल नंबर को अनिवार्य रूप से अपडेट करने का आग्रह किया है, यानी इसे अब अनिवार्य कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है कि जिन जिन लोगों ने भी गाड़ियां ली हैं, खरीदी हैं या बेची हैं और जिनको बेची हैं, जिन्होंने खरीदी है वो भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें, और ये जिन्होंने बेची हैं या जिन्होंने ली हैं वो भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें, और अगर जिन्होंने बेची हैं उनका नंबर अपडेट है वो उन्हें जिनको बेची हैं उनसे आग्रह करें कि वो भी जल्द से जल्द अपना मोबाइल नंबर आरसी के साथ लिंक करें www.parivahan.gov.in पर जाकर। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए किसी भी पंजीकरण संबंधी सेवाओं, ई चलानिंग और वाहन को ब्लैकलिस्ट करने पर नजर रखने के लिए वाहनों के पंजीकरण मालिक के वैध मोबाइल नंबर को अपडेट करने का अनिवार्य किया है, यानी जो उनका नंबर वैलिड नंबर है जिससे वो आज बातचीत कर रहे हैं, जो फंक्शनल में जिससे वो सारे काम कर रहे हैं अपने मोबाइल नंबर से। में भी एक चीज और भी हो सकती है कि हो सकता है आपने आज से 10 साल पहले गाड़ी ली हो या 5 साल पहले गाड़ी ली हो और उसके उस समय आपके पास मोबाइल नंबर भी कोई और होगा, तो वो मोबाइल नंबर बंद हो गया होगा या वो मोबाइल नंबर किसी और को अलॉट हो गया होगा, तो उस सिलसिले में भी आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो सकती है। क्योंकि अगर अगर आपका वायलेशन
वायलेशन कहीं ना कहीं गलती से या कहीं वायलेशन हो जाता ट्रैफिक रूल का, तो चलान जो है उस नंबर पर आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कौन सी वायलेशन किया है, ट्रैफिक वायलेशन किया जिससे चलते चलान आया, और उसी के चलते अगर चलान आपकी भरपाई नहीं कर पाते तो आपकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो जाएगी, क्योंकि नंबर उसी का होगा और नंबर की जानकारी उस नंबर पर जाएगी चलानिंग के माध्यम से, पर आपको आप इससे अवगत नहीं होंगे, जिसके चलते आपकी गाड़ी ही ब्लैकलिस्ट हो सकती, जो काफी परेशानियों का सामना आपके सामने लाकर खड़ा कर सकती है। इसीलिए जितने भी मोटर चालक हैं, जितनी भी गाड़ियां चलाने वाले हैं, आप www.parivahan.gov.in पर जाकर जो भी इस समय आपके फंक्शनल मोबाइल नंबर है, भले ही पहले आपने कोई और आपका मोबाइल नंबर आरसी के साथ अपडेट होगा, पर अब अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज किए हैं या आपने किसी को अपनी गाड़ी दी है या आपने जिनको गाड़ी दी है उनको भी आग्रह कीजिए, और आप लोग खुद भी अगर आपने अपनी गाड़ियां खरीदी है किसी और से खरीदी है तो अपने अपने नंबर अपनी आरसी के साथ जाकर www.parivahan.gov.in पर जाकर ये अपना लिंक करवाएं, ताकि आने वाले समय में अगर आप से कोई भी वायलेशन होता तो वो चलान आपको आए और आप जल्द से समय पर उसे चलान का भुगतान कर सके, ताकि आने वाले समय में आपकी गाड़ियां ब्लैकलिस्ट ना हो। और इस समय जो भी समय हमें जनता देख रही है, ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साथ दूसरों तक भी पहुंचे, क्योंकि ये साफ तौर पर विभाग ने कहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर, यानी जब ये प्रकाशित हुआ उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको जल्द से जल्द इसका अपडेट, फोन नंबर्स का अपडेट करवाना, अन्यथा आपकी गाड़ियां ब्लैकलिस्ट हो सकती है और आपको भारी भरकम जुर्माना भी हो सकता है। आपको ये वीडियो, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।